हे गाइस वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट मैं यश भटनागर आज आपके साथ डिस्कस करूंगा अक्टूबर करंट अफेयर सीरीज का पार्ट टू दोस्तों हम जनवरी से लेकर सितंबर तक और अक्टूबर का पार्ट वन तक पूरे करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एम पैटर्न में इन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में और दोस्तों ये पार्ट है जनवरी से लेकर नवंबर तक के उन करंट अफेयर्स का जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक एन एफ कैट सी एफकेट एस एस सी सी डी एस और अन्य जितने भी एग्जामिनेशन हैं जिनमें पूछा जा सकते हैं और हम इन्हें एक्सप्लेनेशन वे में डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको एक ही क्वेश्चन में अनेक क्वेश्चन कवर हो जाएं और साथ ही साथ आप ब्रीफली किसी टॉपिक को जान पाए दोस्तों ये हमारा पार्ट टू है अक्टूबर करंट अफेयर सीरीज का तो लेट्स बिगिन सो दोस्तों ये मैं हूं आप मेरे बारे में गोथ्रू हो सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं प्लस फेसबुक और इंस्टाग्राम की इन पे हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आपको डेली करंट अफेयर से जुड़े रहना है दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं दोस्तों ये हैं दिनेश कुमार खाराजी नेक्स्ट फ्रेंड्स नेम द आईपीएस ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ बी सी एज दैट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी तो ये कौन बने गए है? ये हैं बी एम ए गणपति नेक्स्ट फ्रेंड्स हु हैज बीन साइंड एज अ ब्रांड एम्बेडर ऑफ हुडले तो हुडले के ब्रैंड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं दोस्तों ये हैं अजिंके राहण जी हुआ अमक द फोलोइंगज बी रिसीव टू थाउजेंड ट्वेंटी नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर डेवलपिंग जिनोम एडिटिंग मैथड तो भाई केमिस्ट्री के क्षेत्र में दो हज़ार बीस का नोबल प्राइज किस दिया गया है दोस्तों और यह जरूर याद रखिएगा ये किसके लिए दिया गया केमिस्ट्री में जिनोम एडिटिंग मैथड के लिए डेवलप करने के लिए तो एक कौन है दोस्तों ई बोथ ए एंड बी दैट इज एम्यूनल चार पेंटियर और बी हैं जेनिफर ए डूडाना डूडना नेक्स्ट है फ्रेंड्स वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन तो भाई वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है सेवंथ ऑफ अक्टूबर को क्रिकेटर बैट्समैन नजीब तराकाई तराकाई हैज हेसपास अवे रिसेंटली ही बिलोंग्स टू विच कंट्री तो भाई ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे दोस्तों ये थे सी अफगानिस्तान के विशाल आनंद हैज हेसपास अवे रिसेंटली ही वॉज एन तो भाई विशाल आनंद जी जो जिनका निधन हुआ है रिसेंटली कौन थे दोस्तों ये एक फेमस एक्टर थे In which bo in which state Inex आई एन ओ एक्स ऑक्सीजन प्लांट हैज इनोग्रेटेड रिसेंटली तो ये किस स्टेट में ल, आ, हुआ है दोस्तों इनोग्रेट ये हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ लॉन्च्ड जन आंदोलन कैंपेन फॉर कोविड नाइन्टीन अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो किसने लॉन्च किया दोस्तों डी नरेंद्र मोदी जी नेक्स्ट एफेंड्स फॉर हाउ मच परसेंट स्टेट अबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ए डी आई ए इज गोइंग टू इन्वेस्ट दट इज फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेल्व करोड़ रुपीज इन रिलायंस रिटेल वेंचर तो कितना परसेंट है उसका दोस्तों बी वन पॉइंट टू परसेंट नेक्स्ट फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हैज प्रोजेक्टेड

और दोस्तों लिस्ट ऑफ़ सी ऑफ अदर बैंक ये भी जरूर ध्यान रखें बैंक ऑफ बड़ौदा के सीई संजीव चड्डा जी हैं बैंक ऑफ इंडिया के दोस्तों अतनु कुमार दास हैं सी बी आई दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पल्लव महापात्रा हैं इंडियन बैंक के दोस्तों हैं पदमा झा चंद्रू और यूको बैंक के हैं दोस्तों अतुल कुमार गोयल और इंडियन ओवरसीज बैंक के हैं प्रथा प्रतिम सेन गुप्ता जी नेक्स्ट फ्रेंड हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आर बी गवर्नमेंट तो नए डेप्यूटी गवर्नमेंट कौन चुने गए हैं आरबीआई के ये डी दैट इज एम राजेश्वर राव नेक्स्ट फ्रेंड्स नेम द अमेरिकन पोएट पोएटन 2020 नोबल प्राइज इन लिटरेचर तो लिटरेचर की फील्ड में अमेरिकन पोएट हैं एक जिन्हें 2020 का नोबल प्राइज दिया गया है ये कौन है ये है ई लुइस ग्लक नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन तो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है हर साल दोस्तों ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और ये दोस्तों एट्टी एट एनिवर्सरी थी इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन एयरफोर्स ने अपना कब स्टेब्लिशमेंट किया था ये हुआ था दोस्तों इनका नाइनटीन थर्टी टू में नेक्स्ट फ्रेंड्स अच्छा दोस्तों ये और याद रखिएगा इस बार ये कहाँ मनाया गया है ये मनाया गया है इन्वेस्टर सेरेमनी एट एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद नियर डेली ठीक है हिंडन एयरपोर्ट एयरफोर्स स्टेशन में मनाया गया है डेली के पास नेक्स्ट फ्रेंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड कंसेशनरी एग्रीमेंट विद जूरिच एयरपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ जेवर एयरपोर्ट तो कौन सा स्टेट है दोस्तों ये है सिक्स बी दैट इज़ उत्तर प्रदेश नेक्स्ट फ्रेंड्स बिस्ार बिश्र अल खशावेन विन हैज बीन अपॉइंटेड एज पी एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री बाई किंग अब्दुल्ला सेकंड तो ये कौन सी कंट्री है दोस्तों ये डी जॉर्डन नेक्स्ट फ्रेंड्स आर टीजीएस विल भी अवेलेबल ट्वेंटी फोर इंटू सेवन इंटू थ्री सिक्सटी फाइव फ्रॉम विच डेट ये है बी दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी आर बी आई हैज प्रोजेक्टेड इंडिया डी डी पी एट डैश इन फाइनेंशियल ईयर 2021 तो ये कितना है दोस्तों ये माइनस नाइन परसेंट विच प्रोग्राम हैज़ बीन अवार्डेड विद नोबल पीस प्राइज तो नोबल पीस प्राइज़ 2020 का किस को दिया गया है दोस्तों ये दिया गया है ई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो कि एक बहुत चौंकाने वाला था जो नॉमिनेशन थे उनमें वर्ल्ड फूड प्राइ प्रोग्राम को बहुत एक चौंकाने वाला जजमेंट था और यह दिया गया और दोस्तों वैसे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फूड प्राइज प्रोग्राम ने इस कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन में बहुत ही हेल्प की है हर जगह और हर क्षेत्र में हम सभी जानते हैं कोविड नाइन्टीन ने हर किसी को हर गरीब व्यक्ति को भूखे रहने में मजबूर कर दिया पर इस ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर हमारे भारत देश में हर किसी तक खाना पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश की नेक्स्ट फ्रेंड नेम एंड इंजीनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल विच हैज़ बीन सक्सेसफुली है टेस्ट टेस्टायर्ड रिसेंटली बाई इंडिया तो इस एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों ये है डी रुद्रम नेक्स्ट फ्रेंड्स वर्ल्ड साइट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन तो वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है हर साल ये मनाया जाता है डी सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे और वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों मनाया जाता है नाइन्थ ऑफ अक्टूबर को नेक्स्ट राम विलास पासवान पासड अवे ही वॉज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ तो रामविलास पासवान किस चीज़ के यूनियन मिनिस्टर थे जिनका रिसेंटली निधन हो गया दोस्तों ये हैं ये थे कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के और साथ ही साथ दोस्तों रामविलास पासवान किस पार्टी से थे ये दोस्तों आपके एक फेमस जो बिहार की पार्टी है जिसके चिराग पासवान अब अध्यक्ष हैं उस पार्टी के अध्यक्ष थे पहले और ये आठ बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुने जा चुके हैं नेक्स्ट फ्रेंड स्टेट और यूनियन टेरेटरी स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम स्कीम तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है दोस्तों ये किया है सी असम ने नेक्स्ट फ्रेंड चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च जगन्ना विद्या कनू का स्कीम फॉर द गवर्नमेंट स्कूल तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च किया है दोस्तों ये किया है ई आंध्र प्रदेश ने और इधर के चीफ मिनिस्टर दोस्तों कौन है ये है वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी ने नेक्स्ट फ्रेंड नेम द दूस सी एम हैज लॉन्च मुख्यमंत्री सौर सरोगार सरो सॉरी uh, uh, स्वरोजगार योजना तो ये कौन सा स्टेट है दोस्तों ये है ए उत्तराखंड नेक्स्ट फ्रेंड अंडर विच स्कीम पी एम हैज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी कार्ड फॉर रूरल लैंड ओनर्स ऑन अक्टूबर इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी तो ये कौन सी स्कीम थी दोस्तों ये थी बी दैट इज स्वामित्य स्कीम

ऑन विच डेट वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे टू थाउजेंड ट्वेंटी हैज बीन सेलिब्रेटेड ग्लोबली तो ये कौन सा डे है दोस्तों ये ई बोथ ए एंड बी नाइन्थ और टेंथ नाइन्थ मे को भी होता है और टेंथ अक्टूबर को भी होता है दोस्तों नेक्स्ट और दोस्तों इस बार 2020 की थीम थी इसकी बर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे ऑफ दी गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व ऑन डैश एवरी ईयर तो ये हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों गर्ल्स चाइल्ड डे इंटरनेशनल ये मनाया जाता है ग्यारह अक्टूबर को इस बार दोस्तों इसकी थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर नेक्स्ट फ्रेंड्स वर्ल्ड एग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दी डैश एवरी ईयर तो वर्ल्ड एग डे कब मनाया जाता है दोस्तों हर साल ये मनाया जाता है ई दैट इज सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है डी टेंथ ऑफ अक्टूबर को दोस्तों इसकी थीम थी दो हज़ार बीस की मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर एक्सेस नेक्स्ट फ्रेंड नेम ने टू डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड कोस्टल एरियाज ऑफ केरला कर्नाटक एंड लक्षद्वीप तो इस एक्सरसाइज का दोस्तों क्या नाम था ये था डी सागर कवच ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज बीन सिक्योर्ड हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल बाय विनिंग फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल तो किसने जीता है दोस्तों ये जीता है डी ईगा ने ठीक है नेक्स्ट फ्रेंड विच स्टेट ऑफ यूनियन टेरेट्री गवर्नमेंट हैज पास्ड द न्यू ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी तो ये कौन सा स्टेट ऑफ यूनियन ट्रेटरी है यह सी दिल्ली नेक्स्ट एफ्रेंड पीएम मोदी हैज़ रिलिज हंड्रेड कोमेमोरेटिव रुपीज कॉइन फॉर इन ऑनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन तो किस आदमी के सम्मान के लिए एक कोमेमरेटिव कॉइन सौ रुपए का पीएम मोदी द्वारा रिलीज किया गया है ये कौन सा आदमी है वो कौन से पुरुष थे दोस्तों ये थे डी विजय राजेश सिंधिया जी नेक्स्ट फ्रेंड विच स्टेट ऑफ यूनियन टेरेटरी हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ यूनियन टेरेट्री टू प्रोवाइड पाइब्ड टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल रूल हाउस होल्ड अंडर हर घर घर जल स्कीम तो हर घर जल स्कीम के अंतर्गत किस राज्य सरकार ने दोस्तों पूरे अपने रूरल हाउस होल्ड को जो ग्रामीण क्षेत्र हैं सभी को पूरी तरीके से पाइप वॉटर टैप वाटर, वाटर प्रोवाइड कर दिया है ये कौन सा स्टेट या यूनियन टेरेटरी है ये दोस्तों ई गोहा है ठीक है नेक्स्ट हुज वॉन दी नोबल प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी इन इकोनॉमिक्स फॉर इंप्रूवमेंट टू ऑप्शन थ्योरी तो कौन है दोस्तों यह ई बोथ एंड इज आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन

ऑफ ट्वेंटी ग्रैंड स्लैम टाइटल तो कौन है दोस्तों ये हैं डी रफेल नडाल नेक्स्ट है फ्रेंड्स हु हैज़ बीन नेम्ड ब्रेंड अम्बेस्डर इंडियाज फर्स्ट एवर होम ग्राउंड प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रेंड ट्रांसफॉर्म तो ये कौन है दोस्तों ये हैं सी चेतन आनंद जी नेक्स्ट फ्रेंड्स वर्ल्ड अर्थराइटस डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन तो वर्ल्ड अर्थराइटस डे ग्लोबली कब मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है डी 12 अक्टूबर को ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर को ऑन विच डे वर्ल्ड डे अगेंस्ट दी डेथ पेनल्टी इज ऑब्जर्व तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी कब मनाया जाता है हर साल ये मनाया जाता है टेंथ ऑफ अक्टूबर को नेक्स्ट फ्रेंड्स कार्टन चपमेन हैज पासड अवे ही रिसेंटली सॉरी रिसेंटली ही वॉज अ फॉर्मर फुटबॉल कैप्टन ऑफ विच कंट्री तो किस कंट्री के ये पूर्व फुटबॉल कैप्टन रह चुके हैं ये है ई इंडिया e, के नेक्स्ट फ्रेंड्स म्यूजिक कंपोजर रंजन पास्ड अवे रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट ही बिलोंग्स टू तो जो म्यूजिक कंपोजर थे रंजन ये किस राज्य से बिलोंग करते थे दोस्तों ये थे बी कर्नाटका से नेक्स्ट फ्रेंड विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव कंप्लीटली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम इन ऑल पब्लिक स्कूल्स तो ये कौन सा स्टेट है दोस्तों ये है डी केरला दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सुझाव दीजिए अपने हमारे हमारे चैनल पे दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए थैंक यू एवरीवन दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो भी इन एग्जामिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं